दिल्ली DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मेट्रो लाइन निर्माण में बड़ी कामयाबी हासिल की। दिल्ली मेट्रो ने गोल्डन लाइन पर छतरपुर और छतरपुर मंदिर स्टेशन के बीच सुरंग का काम पूरा कर दिया है। ये काम पूरा होने पर दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना और दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार को साइट का दौरा किया। DMRC के चौथे चरण से तुगलकाबाद एरो सिटी कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत छतरपुर और छतरपुर मंदिर स्टेशन के बीच सुरंग निर्माण का कार्य पूरा कर दिया गया। चौथे चरण के तहत 97 मीटर लंबी TBC की द्वारा गोल्डन लाइन पर 865 मीटर लंबी सुरंग को 5.5 महीने में बनाया गया। TBC को टनल के अंदर से बाहर निकाला गया। यहां पर अप और डाइन मूवमेंट के लिए 2 समांतर वृत्तावर सुरंगों का निर्माण किया जाएगा। ये एरोसिटी तुगलकाबाद कॉरिडोर का हिस्सा है। इस रूट पर अन्य समांतर सुरंग की कार्य भी किया जाएगा जो कि इस वर्ष सितंबर तक पूरा हो जाएगा। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने कहा कि दिल्ली मेट्रो ने सिर्फ 5.5 महीने के रिकॉर्ड में समय ये उपलब्धि हासिल की। उन्होंने कहा कि ऐसे इवेंट जनता को दिखाने चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि संबंधित प्रोजेक्ट में कितनी मेहनत की गई। उन्होंने कहा कि ऐसे इवेंट को अगली बार सारे स्टेशन बड़े चौराहों पर स्क्रीन लगाकर जनता को दिखाया जाएगा और छतरपुर मंदिर के बीच नए मेट्रो रूट पर सुरंग बनाई गई है। उसे एरोसिटी से तुगलकाबाद के बीच बनाया जा रहा है। ये लाइन कश्मीरी गेट से राजा नेहर सिंह कॉरिडोर वॉलेट लाइन के एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से जुड़ी जाएगी। इस रूट पर कुल 15 स्टेशन बनाए जाएंगे। वहाँ इस रूट पर बनाए जाने वाले दिल्ली मेट्रो के दक्षिण के उन इलाकों में भी पहुंच जाएगी जहां मेट्रो का अब तक दूर दूर तक कोई निशान नहीं है। 23 किलोमीटर लंबी इस लाइन को गोल्डन कलर कोड दिया गया, यानी इस रूट पर चलने वाली मेट्रो को गोल्डन लाइन कहा जाएगा। दिल्ली मेट्रो ने वायडक्ट के नीचे सुरंग का निर्माण करते समय सभी आवश्यक सुरक्षा सावधानियां बरती हैं और आसपास की संरचना पर अत्यधिक संवेदनशील उपकरणों के साथ जमीनी हलचलों की निगरानी रखी। इन उपयोगों के साथ ही सुनिश्चित किया गया कि कहीं भी सुरक्षा समझौता न किया जाए। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़वेयर इंडिया।